हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे या अनुच्छेदों को देखेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वही हैं सारे जो इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैंने ये लिख रखे हैं कुछ, और इसके बाद अनुच्छेद 52 से 61 तक देखेंगे जो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित हैं। तो चलिए पहले इनकी ट्रिक लिख रखी है मैंने, तो चलिए पहले ये वाले देख लेते हैं। देखो, आपको एक लाइन याद रखनी है। इस लाइन से हम 76 से 81 तक याद कर सकते हैं। लाइन है महान कार्यकर्तव्य सरला के, महान कार्यकर्तव्य सरला के। इसमें महान से हम याद करेंगे भारत का महान न्यायवादी 76 में है, महान कार्यकर्तव्य मैंने यहाँ भी लिख रखा है। इसके बाद इस कार्य से याद करेंगे हम भारत सरकार के कार्य का संचालन, ये 77 में है। इसके बाद कर्तव्य से याद करेंगे हम राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यहाँ तक होगा ये 78 तक। इसके बाद सरला के, सरला के में इसमें के साइलेंट रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सरला से हम याद करेंगे 79, 80 और 81 को। ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर सरला। सरला में सा से है संसद का गठन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा 79 में है। इसमें रा से याद करेंगे हम राज्यसभा की संरचना, ये 80 में है, 80 में। और ला से याद करेंगे लोकसभा की संरचना, ये 81 में है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 17 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से लिख रखा है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। इसमें अस्पृश्यता में सता जो आ रहा है, सता से 17 याद कर सकते हैं आप, सॉरी सता से, ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है। तो अस्पृश्यता का अंत किस में है? आर्टिकल 17 में, आपको याद रखना है, पूछा जाता है काफ़ी SSC की परीक्षाओं में और दूसरी परीक्षाओं में भी। इसके बाद आर्टिकल 51 का है, ये आपको बिना ट्रिक के याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। मूल कर्तव्य है 51 का, मैं आपको याद भी होगा वैसे। इसके बाद ये तो हमने याद कर ही लिए हैं। इसके बाद है आर्टिकल 72। देखो, आर्टिकल 72 की कोई ट्रिक नहीं है, मैंने बस इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दिया है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुगण की राष्ट्रपति की शक्ति, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 52 से 61 तक। ट्रिक है इसकी, राष्ट्र का नींव रिक्त पद पर, 8 शर्तों और शपथ पर भी है। इसमें हम राष्ट्र का नींव की जगह कर सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो उचित समझो, जैसा आपको याद करने में उचित हो, इस तरीके से कर सकते हैं। तो राष्ट्र से याद हो जाएगा राष्ट्रपति, ये 52 में है, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। का से याद करेंगे कार्यपालिका, ये 53 में है, संघी की कार्यपालिका शक्ति मतलब 53 में। इसके बाद नींव से याद करेंगे निर्वाचन, ये 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और रिक्त से याद करेंगे हम रीति, 55 में है, ये अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। इसके बाद पद से याद करेंगे हम पदावधि, ये 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। इसके बाद 57 में हम याद करेंगे पर से पुनर्निर्वाचन, ये है 57 में है, थोड़ा गलत लिखा है मैंने, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। इसके बाद 8 से याद करेंगे हम अर्हताएं, 8 से अर्हताएं, और 8 से 58 भी हो रहा है, तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। अगर पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अर्हताएं किस में हैं, तो 58 में आसानी से बता सकते हो। अर्हताएं का मतलब है राष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, अर्हताएं का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो। इसके बाद शर्तों से याद करेंगे हम शर्तें, ये 59 में है, 59 में शर्तों का मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। इसके बाद और साइलेंट मैंने बताया था। उसके बाद शपथ है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा शपथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ 60 में, 60 से शपथ राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसके बाद पर भी से हम याद करेंगे पर महाभियोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर महाभियोग, ये तो आप बिना ट्रिक के भी याद रख लो। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, ये याद रख लो आप, रट लो बिल्कुल ठीक से, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब। और दोस्तों, और दूसरी जीके ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, जिस पर मैं जीके ट्रिक्स के फोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, बाय फ्रेंड्स।